आया श्री कालेराम मंदिर। भैया कपिलेश्वर किधर की तरफ है? वैसे बैठ के आ रहा हूँ। जय श्री शंकर। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एडवेंचर। माय नेम इज नकुल एंड आई एम अ ट्रैवलिंग ब्लॉगर। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं पांच पांडव केव के लिए और सीता गुफा के लिए। अपन तीन जने ही जा रहे हैं। मैं संदीप हूँ। मैं शुभम। अपन तीनों जा रहे हैं। मेरे को सीधे जाना है, जहाँ से मैं रात में आया था वहीं से मेरे को सिटी बस मिलेगी, जिसका मैंने पास बना रखा है। आपको याद होगा मैं इधर की तरफ से आया था और इधर की तरफ गया था। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हो गए हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सामने हमारी बस है, इसे हमें पकड़नी है। बस भाग रही है, भाग रही है, भाग 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 भाग। अब खाली बस है सालों, क्यों भाग रहे हो? 7-8-10 किलोमीटर ऊपर होता है क्या? काफी पहाड़ के ऊपर है वो। ले, मैं कह रहा था पहाड़ के ऊपर होता है, बहुत प्यारी केव है वो। आप वो तो पांडव लेनी केव्स है वो। केव्स है ना, बहुत प्यारी केव्स है ना। केव्स है। और सीता गुफा मिल जाएगा इस टाइम? हाँ, सीता गुफा। तो सीता गुफा के लिए कैसे जाया जाएगा? पंचवटी पे बैठने का, गली के अंदर से सामने जाएंगे सीता गुफा। तो अपन जा रहे हैं अब सीता गुफा के लिए। हमने बस चेंज कर दी है और ये बस है वो वाली, ये देख रहे हो, इसी बस में हम जाएंगे सीता गुफा। बस खाली पड़ी, आप देख सकते हैं ये पूरी बस खाली पड़ी है। ये देखिए, ये है विकलांगों के लिए और ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और यहाँ पे लेडीज के लिए लिखा हुआ है। हम लौंडो की तो कोई इज्जत ही नहीं है, कहीं भी नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करें, खड़े होके जाएंगे? तो क्या बोलते हो भाई लोग, हैं? हम खड़े होके जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सीट पे कब्जा करके जाएंगे? नासिक की बस में एक फायदा है, अगर आप पहला टिकट अगर पेटीएम से बुक करते हैं तो फ्री होता है वो, चाहे वो कितने का भी हो। बस में मेरे को बहुत प्यारा माहौल मिला, सबसे अच्छी खासी बात की और एक दो सब्सक्राइबर भी बढ़ा ली। तो अब हम उतरे सीता गुफा के लिए, यहाँ से पंचवटी होते हुए सीता गुफा जाएंगे। बस वाले भैया ने बताया यहाँ से बिल्कुल सीधा चलना है और यहीं से हमें पांच बरगद के पेड़ दिखेंगे, जैसे पंचवटी कहते हैं। मतलब इतना मजा आ रहा है ब्लॉग शूट करने में, कोई सपोर्ट करने वाला साथ होता है, जैसे भाई लोग अपने यही चल रहे हैं, कहीं भी कभी भी कुछ भी जो मैं बोल सकता हूँ, अगर कुछ हुआ तो भाई लोग है अपने साथ। इन्हें ऊपर से मराठी भी आती है अगर कोई दिक्कत होती है। ये अपन पहुंच चुके हैं एक चौराहे पे, अंकल ने सीधे आने को बोला था, सीधे चलते चलते सामने शायद बर्गर के पेड़ है ना, अपन निमानी से बिल्कुल सीधे चलते जा रहे हैं। उस जगह को निमानी बोलते हैं, मैंने अभी जस्ट पता किया है, इसलिए इसे पंचवटी कहा जाता है। यहाँ पे ना पांच बरगद के पेड़ है, बरगद के नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बरगद के पेड़। ये सीता गुफा है और यहीं पे पंचवटी भी कहा जाता है, जूनी पूर्ण कुटी ऐसी पढ़ते हैं शायद इसे। और यहीं पे है सीता गुफा, चलेंगे अंदर। और यहाँ आसपास पूरी मार्केट लगी हुई है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और बहुत सारे बैग वगैरह जो भी आपका मन करे आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और इधर की तरफ भी ऑटो वाटो की सर्विस अवेलेबल है, ये कुछ अलग चीज है। इन भाई लोगों के साथ ट्रैवल करके ऐसा लग रहा, मतलब फील ऐसा हो रहा है कि भाई साहब बहुत पुरानी दोस्ती अपनी और अपन बहुत टाइम से बिछड़े हुए थे, अब मिले हैं, मजा आ रहा है ट्रैवल करने में इनके साथ। दो दिन की दोस्ती है लेकिन ऐसा लगता है कि बचपन का यार आना है, बचपन का यार। तो अब चलते हैं अपन सीता गुफा के अंदर, बाहर जूते उतारते हैं और इधर से अपनी एंट्री होगी। अंदर पता नहीं कैमरा ले जाने देंगे या नहीं ले जाने देंगे। हमने जूते उतार दिए। हेलो गाइस, नमस्ते। ये हम एंट्री में पहुंच चुके हैं, अंदर जाने वाले हैं बस थोड़ी देर में। अंदर मोबाइल बंद रखें यार, डिलीट हो गया, अंदर मोबाइल बंद रखना है। ये भाई बोल रहा है चोरी चोरी बना लो, ठीक है, ऐसी सलाह दे रहा है। काफी भीड़ भाड़ है अंदर, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से गुफा अंदर है, अंदर से काफी प्यारी लग रही है, लेकिन ये गुफा नहीं है, गुफा इसके पीछे है, लेकिन हम इसके पीछे मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा सा ढोल भी रखा हुआ है। ये एंट्री है सीता गुफा की और उधर से एग्जिट है, आप देख सकते हैं। फिर राम जी की प्रतिमा, मतलब फोटो बनाई हुई है, राम जी झूठे फेर खा रहे हैं सबरी के हाथ से। एंट्री है गुफा में, मेरे पास तो बैग है। ये गुफा के अंदर अभी भी जा रहे हैं अपन, जय माता की, पहुंच गए हम। आगे फोन अलाउ नहीं है तो मैं कैमरे के वीडियो नहीं बनाऊंगा। इधर की तरफ ये है और इधर की तरफ शिवलिंग है, शायद आप देख सकते हैं सामने शिवलिंग हो रहा है। अंकल जी आ गए, अभी दिखाते हैं आपको। वैसे बैठ बैठ के आ रहा हूँ। जय श्री शंकर। इधर से हम बाहर के लिए एग्जिट हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ से बाहर जाएंगे अब हम। ये वह जगह है जहाँ जहाँ राम जी गए थे वनवास के लिए, ऐसे देख सकते हैं बहुत सारी जगह है। वैसे ऊपर लिखा है श्री राम का यात्रा स्थल, ध्यान से पढ़ सकते हैं। वैसे अंदर हमारी यात्रा होगी, बहुत प्यारी गुफा थी, बहुत आनंद आया, जैसे कि आपने देखा ही होगा। अब चलते हैं दूसरे स्थल की ओर। सीता गुफा एग्जिट करने के बाद हम बिल्कुल सीधे जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सीता हरण सीता संसार, यहाँ की एक रुपए फीस है, इसके अंदर आप अपन जा रहे हैं। यहाँ फोटोग्राफी के लिए मना किया गया है साफ साफ। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है,
ये देखिए, और ये ऐसे हमने पता किया यहाँ पे पास में एक टेम्पल है जो कि ज्यादा फेमस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फेमस चीज है अपन को तो विजिट करने का है, तो अपन जा रहे हैं। हम आए हैं श्री कालेराम मंदिर संस्थान पूर्व महाद्वार, और यहाँ पे भी अपन ने जूते उतार दिए हैं। और ये एंट्रेंस है यहाँ का कालेराम मंदिर का, ये अपन ने एंट्री कर दी है। वाह यार, अंदर से तो बहुत शानदार दिखता है, मतलब की बहुत बड़ा बड़ा है। सामने अपन को जाना होगा, यहाँ लिखा हनुमान मंदिर सभा मंडप। हनुमान जी के दर्शन, जय श्री राम, जय हनुमान। इसी के साथ अपन फिर सीधे चलते हैं। कैलेंडर भी टांग रखा है भाई। मुझे ये लगता है कालेराम मंदिर का एंट्रेंस है जहाँ से सीधा अंदर जाते ही दर्शन हो जाएंगे। तो हम अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, देखते हैं कैमरा अलाउ या नहीं है। यहाँ से जो दर्शन हो रहे हैं वो मैं आपको कराता हूँ, बाहर से ऐसे दर्शन हो रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। यह मंदिर के अंदर आ गए हैं, कालेराम मंदिर है, राम जी की यहाँ प्रतिमा है, और इधर से हम एग्जिट हो रहे हैं। मंदिर प्रांगण में ये भजन कीर्तन हो रहा है, आप देखिए। ये बहुत पुराना तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, और बहुत कारगर भी, बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर। ये गणपति जी की मंदिर है। कालेराम मंदिर पीछे इतना प्यारा लग रहा है, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर लगता है, सेम वैसा ही है थोड़ा बहुत। काफी टाइम हो गया हमें यहाँ आते आते, रात हो गई। तो अपने यहाँ के भी दर्शन हो गए, अब हमको पता चला यहाँ पे घाट है उधर, और जा रहे हैं देखने के लिए। चौक है ना, इससे बिल्कुल सीधे चलते रहना है अपन को, ऐसा ही कुछ रास्ता रहने वाला है सीधा जाने के लिए, और अपन पहुंच जाएंगे इसी रास्ते के सहारे। कपलेश्वर है टेम्पल का नाम, और हम पूछते पूछते पहुंचेंगे क्योंकि हमें पूरा नॉलेज नहीं है किधर है किधर नहीं है। भैया कपलेश्वर किधर की तरफ है? इधर से बिल्कुल सीधा, ठीक है। इस बार हम लोगों ने एक अंकल से पूछा, उन अंकल ने बताया सीधे ही जाना है आपको, तो अपन सीधे ही जा रहे हैं। रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है, ढलान वाला रास्ता, साफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, और बिल्कुल इजीली पहुंच जाएंगे इतना भी हमें पता है। आप रास्ता ध्यान रखना, ऐसा कुछ रास्ता रहने वाला है। रास्ते में ही आपको तीन कुत्ते देख सकते हैं। तो अपन ने रोड क्रॉस करी है, एक ऑप्शन आया था हमारे पास लेफ्ट साइड, और एक आया था राइट साइड। हम सीधे चलते हुए राइट की तरफ से जा रहे हैं, उधर के पास एक और डिवाइड हो जाता है रूट। अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो कपलेश्वर आपको नहीं मिलेंगे, आपको राइट जाना होगा। ये है कपलेश्वर, आप राइट जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ है अपने कपलेश्वर। अपन ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी अपन को, और उसके बाद अपन दर्शन हो जाएंगे। बहुत शानदार और शांत दिख रहा है कपलेश्वर टेम्पल, मतलब की एक फील है अंदर शिव जी होंगे जहाँ तक है। ये अंदर आके ये अपने कपलेश्वर, अपन इधर से दर्शन करके आ चुके हैं, अब इधर की तरफ जा रहे हैं। इधर से पीछे का मंदिर का दृश्य दिखेगा, मंदिर के पीछे का बस पर्दा दिखेगा। हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं, और अब अपन जाएंगे उधर की तरफ। हमने ऊपर के दर्शन कर दिए हैं कपलेश्वर के, तो अब अपन जाएंगे गोदावरी नदी के। तो अपन इधर से निकलते हुए जाएंगे उधर के लिए। अब हमें रास्ता ढूंढना है अंदर जाने का, बस अंदर कुछ हो रहा है यार, देखना वाला लग रहा है अंदर। ओ चलो देखते हैं क्या हो रहा है अंदर, बंदा खुश हो गया मेरा। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ रखी हुई है, यहाँ पे डांस वगैरह का प्रोग्राम है। गोदावरी के जस्ट बराबर में यहाँ पे गोदावरी रिवर है। फाइनली हम गोदावरी नदी के पास पहुँच गए, मैं आपको गोदावरी नदी दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक स्पेशल चीज दिखा के आपको ब्लॉग का एंड करूंगा। जो यहाँ का फेमस डांस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है गोदावरी नदी, फाइनली अपन गोदावरी नदी पहुंच गए, आप देखिए। और इसके ठीक सामने हो रहा है यहाँ का फेमस नृत्य तमाशा। ये पूरी नदी है जो यहाँ पे बह रही है, और यहाँ का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है, गोदावरी नदी। और सामने देखिए ये टेंपल पे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है ऊपर से नीले रंग की। आओ ऊपर की तरफ, किसने कन्हैया मन से बचे क्या गोकुल के वो है मुरलीधर, राधा झूमे जिनकी लहर। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए एडवेंचर पर जल्दी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।